दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि आज से कुछ महीने पहले हम लोगों के सामने एक खबर आई थी कि भैया साउथ इंडस्ट्री की एक ऐसी कंट्रोवर्शियल फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है जिसकी वजह से हमारे देश का जो सामाजिक ताना बाना है ना वो थोड़ा सा डगमगा सकता है, हिल सकता है। ऐसी फिल्मों को सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होने देना चाहिए जिसके माध्यम से आपको हमारे भारत के इतिहास का काला अध्याय लोगों को पता चल जाए, यानी कि उनको देखने मिल जाए कि भैया इतिहास में ऐसी घटनाएं हमारे देश में हुई हैं। तो भाई कौन सी है ये फिल्म जिसको लेकर हमारे देश का जो बुद्धि वर्ग जीव है, जो समाज है, जो लिब्रांडो ग्रुप है, वो एक्टिव हो गए थे कि भैया इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होने देना चाहिए। तो भाई कौन सी थी वो फिल्म? तो भैया उस फिल्म का नाम था रजाकार, जो कि हैदराबाद के निज़ाम के उस क्रूर इतिहास को दुनिया के सामने लेकर आने वाली है जिसको आज तक दुनिया से छुपा कर रखा गया था, यानी कि इस इतिहास के बारे में ज़्यादा लोगों को बताया ही नहीं गया कि भैया कैसे हैदराबाद के निज़ाम ने अपनी हुकूमत को इंडिया पर बनाए रखने के लिए, पाकिस्तान से मिलने के लिए, अपनी क्रूर सोच को भैया लोगों के ऊपर थोपने के लिए एक ऐसा हैवानियत वाला नियम बनाया था, एक ऐसी सेना बनाई थी जो कि भैया इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन था। यानी कि भाई रजाकार जिनको ये काम सौंपा गया था कि भाई जो लोग हैदराबाद के निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, जो कि हैदराबाद के निज़ाम के नियम को नहीं मान रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, ऐसे लोगों को मार कर ख़त्म करो, इन लोगों की महिलाओं के साथ अत्याचार करो ताकि ये लोग झुक कर हैदराबाद के निज़ाम की बात मान ले और पाकिस्तान के साथ विलय करने के लिए तैयार हो जाएं। तो भाई रजाकार के उसी इतिहास को रजाकार के माध्यम से सिनेमा घरों में लाने की तैयारियां हो चुकी थी। इस फिल्म का तो रिलीज डेट वैसे तो पहले कुछ और था, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी फिल्मों की आने की वजह से इस फिल्म को सिनेमा घरों में भैया स्क्रीन्स ही नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट जो है वो कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था। अब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई जिस फिल्म को लेकर इतना हायतौबा मचाया गया था बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा, लिब्रांडुओं के द्वारा, उनको अब दरकिनार करते हुए इस फिल्म को सिनेमा घरों में लाया जा रहा है इसी महीने की 26 तारीख को। तो भाई रजाकार को आप लोग देख सकते हो पैन इंडिया के तहत पूरे इंडिया में, यानी कि भैया ये फिल्म भैया 6 लैंग्वेजों में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। तो दोस्तों इस फिल्म के बारे में मैं आप लोगों से क्या कहूँ, इस फिल्म के माध्यम से जो जानकारियाँ मुझे मिली, यानी कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ही मेरे अंदर यह जिज्ञासा पैदा हुई थी कि भाई ये रजाकार था क्या, क्या था हैदराबाद के निज़ाम का वो काला इतिहास जिसे आज तक हम लोगों को सही तरीके से बताया नहीं गया। जब मैंने उस इतिहास के बारे में जाना तो भैया मेरी ये प्रबल इच्छा हुई कि भैया ऐसे इतिहास के बारे में तो हमें जानना चाहिए कि भैया हमारे अभी हम लोग वर्तमान में है ना भैया, भूतकाल में क्या क्या बीता है इसके बारे में इंडिया को जानने का हक है। तो चलिए ये फिल्म आ रही है 26 तारीख को इसी महीने, अब देखते हैं ये फिल्म जब सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो भैया इस फिल्म को लेकर कितनी सारी नेगेटिव खबरें हम लोगों के सामने आती है। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आप रजाकार को देखने के लिए तैयार हैं कि नहीं। वैसे आप लोगों को याद ही होगा जब द काश्मीर फाइल्स, उसके बाद में द केरला स्टोरी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी तो भैया इन फिल्मों को लेकर कितना हायतौबा मचा था। वैसा ही हायतौबा मैं आप लोगों को आज ही लिख कर दे देता हूँ कि भैया रजाकार के लिए भी मचने वाला है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।